जनवरी को सूरत में वेसु में व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ था, जिसमें सूरत डीसीपी जोन 4 ने वेसु इलाके के एम्बेस होटल में छापेमारी करने में आई थी, जिसमें पुलिस ने होटल से 7 थाई महिलाओं को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराया था और 7 ग्राहकों को गिरफ्तार किया था, जिसमें चंचल सिंह राजपूत समेत 3 लोगों का नाम शामिल होने का पुलिस द्वारा बताया गया था, जिसमें सूरत के मशहूर फाइनेंसर चंचल सिंह राजपूत और उनके करीबी विवेक संतोष पांडे और बंटी जितेंद्र कुमार मारवाड़ी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें किसी ठोस सबूत के अभाव में गुजरात अहमदाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। 18 फरवरी 2024 सल्तान कैनाल रोड पर एम्बेस होटल में पुलिस द्वारा छापा मारा गया, जिसमें चंचल सिंह राजपूत के करीबी विवेक पांडे और बंटी कुमार मारवाड़ी को आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई। उन्हें झूठा फंसाया गया, ऐसा आरोपी ने मीडिया को बताया, जिसमें सूरत के मशहूर फाइनेंसर चंचल सिंह राजपूत और उनके करीबी विवेक संतोष पांडे और बंटी जितेंद्र कुमार मारवाड़ी गुजरात हाईकोर्ट में बेल मिल गई थी।